हेलो गाइज दोस्तों, अगर आप इस प्लान के अंदर सिर्फ एक बार 45,500 रुपये इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो इससे आपको मैच्योरिटी पर 84 लाख रुपए का जो फंड मिलेगा, यहाँ पर 45,500 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ज़्यादातर लोग कम रिस्क के साथ यहाँ पर किसी बैंक FD के अंदर है जो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पर उन्हें दोस्तों इंटरेस्ट रेट ज़्यादा से ज़्यादा 7% या जो मिल पाता है, और ये रेट दोस्तों जो इन्फ्लेशन रेट है उसको भी यहाँ पर बीट नहीं कर पाता है। यानी अगर आप अपने फ्यूचर के किसी भी गोल या टारगेट को पूरा करने के लिए बैंक FD में जो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैच्योरिटी तक उस पैसे की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। इसको दोस्तों आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मार्केट में आज किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो 100 रुपये है और वो प्राइस दोस्तों 5 साल में 110 रुपये होता है, लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान आपके इन्वेस्टमेंट किए गए पैसों पर 7% का रिटर्न मिला तो यहाँ पर कितना हुआ, 107 रुपये। यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 110 रुपये है जबकि रिटर्न कितना है, 107 रुपये। तो वहाँ पर आप दोस्तों जो महंगाई है उसको बीट नहीं कर पा रहे होंगे। तो भले ही दोस्तों यहाँ पर आप कम पैसे निवेश करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसे ऑप्शन के अंदर करें जहाँ से आपको जो रिटर्न हाई मिले और मैच्योरिटी पर आप जो महंगाई को बीट कर पाएं। तो ऐसा ऑप्शन दोस्तों आपको मिलता है एक म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर लमसम निवेश करके, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर है जो निवेश किया जाता है, जिसमें बैंक FD के मुकाबले रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। वहीं दोस्तों बैंक FD में मैच्योरिटी पर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ है जो आपको ब्याज मिल जाता है, जबकि म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर सारा बेस है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, जिसमें अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं और मार्केट के अंदर मान लीजिए कोई करेक्शन आता है तो म्यूचुअल फंड प्लान पर है जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो करेक्शन का वहाँ पर ज़्यादा कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम एक ऐसा ही प्लान रिव्यू करने वाले हैं जिसने बड़े बड़े क्रैशेज को पार किया है। फंड का नाम है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो यहाँ पर दोस्तों फंड की डिटेल देखने के साथ कैलकुलेशन करके समझेंगे कि कैसे 45,500 रुपये निवेश करके 84 लाख रुपये का एक बड़ा फंड है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगर हम इस प्लान के रिटर्न्स की बात करें तो ऑल टाइम जो उसका एनुअली रिटर्न है वो 20% से ज़्यादा का है, पिछले 5 साल में 25.73% का, जबकि पिछले 3 साल में 35.21% और लास्ट 1 ईयर में दोस्तों 18.67% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। वहीं पिछले सिर्फ 1 मंथ की बात करें तो 3% के समथिंग है जो रिटर्न्स माइनस में दिया है, क्योंकि दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में जो पिछले 1 महीने से करेक्शन चल रहा है। तो जब भी आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन छोटे मोटे करेक्शन के लिए भी आपको है जो तैयार रहना होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे करेक्शन हमेशा है जो आते रहते हैं, तो आपको वहाँ पर है जो पेशेंस रखना होता है। चलिए अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों ग्रो का जो लमसम कैलकुलेटर वो यूज़ कर रहे हैं। इसमें अगर आप यहाँ पर एक बार यानी कि 1 टाइम 45,500 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों आने वाले टाइम का 19%, क्योंकि जो इसका ऑल टाइम रिटर्न है वो 20% से ज़्यादा का है। तो अलग अलग टाइम पीरियड में दोस्तों सबसे पहले स्टार्टिंग के अगर हम 5 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें जो रिटर्न है वो आपको मिल जाएगा 63,000 रुपये का, यानी टोटल वैल्यू के रूप में 5 साल बाद 108,000 रुपये का जो फंड बनेगा। जबकि यहाँ पर टाइम पीरियड को बढ़ाकर अगर हम 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें जो रिटर्न है वो आपको 213,000 रुपये मिल जाएगा और फाइनल वैल्यू वो 269,000 रुपये हो जाएगी। वहीं यहाँ पर 15 साल के टाइम पीरियड में देखें तो जो रिटर्न है आपको वो 572,000 मिल जाएगा, यानी जो फाइनल वैल्यू 45,500 की बढ़कर 15 साल बाद 618,000 रुपये हो जाएगी। वहीं यहाँ पर 20 साल के टाइम पीरियड में देखें तो 14,30,000 का जो आपको रिटर्न मिल जाएगा और जो आपके 45,500 उसकी फाइनल वैल्यू बढ़कर 20 साल बाद 14,75,000 रुपये हो जाएगी। जबकि 25 साल के टाइम पीरियड में देखें तो 34,75,000 का रिटर्न मिल जाएगा और फाइनल वैल्यू बढ़कर 35,21,000 रुपये हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ से यानी कि आने वाले 30 साल तक 45,500 रुपये इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 83,57,000 का, यानी कि मात्र 45,500 रुपये की फाइनल वैल्यू बढ़कर आने वाले 30 साल बाद 84,02,000 रुपये हो जाएगी। वहीं यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 45,500 रुपये नहीं है, आपके पास थोड़े से कम पैसे हैं यानी मात्र 20,000 रुपये लगाकर भी आप छोड़ देते हैं तो भी आप लॉन्ग टर्म यानी कि 30 साल में करीब 37 लाख रुपये जो फंड बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मोतीलाल ओसवाल को आप कंसीडर कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं विदाउट EMC चार्जेस के। वहीं यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो आपका नाम मात्र का चार्जेज है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप म्यूचुअल फंड्स,
कमोडिटी आईपीओ के अंदर है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पर है जो ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल के साथ 5 मिलियन से ज़्यादा है जो हैप्पी कस्टमर जुड़े हुए हैं, जिसके लिए सारा काम है जो बिना किसी पेपर वर्क के ऑनलाइन होता है। इसके साथ ही यहाँ पर मार्केट से जुड़ी जो रियल टाइम अपडेट है वो भी आपको मिलती है। वहीं अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो यहाँ से दोस्तों आपको पर्सनल जो एडवाइजर है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो बेटर क्लियरिटी व्यू के लिए आप इनके डिस्क्लेमर और डिस्क्रिप्शन को है जो कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करिए। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। बेसिक डिटेल में दोस्तों बात करें इस फंड के एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू प्राइस की, तो यह है 220 रुपये। फंड की रेटिंग दोस्तों 4 है। वहीं फंड के अगर साइज की बात करें तो 12,439 करोड़ रुपये का है। वहीं यहाँ पर दोस्तों लमसम की जगह अगर आप पैसा भी करना चाहते हैं तो मंथली आप मिनिमम 100 रुपये से जो स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इस फंड के होल्डिंग्स की, तो टोटल यहाँ पर 76 स्टॉक्स हैं, जिनमें से टॉप होल्डिंग में साइंट लिमिटेड, सेंचुरी प्लाई बोर्ड्स, रत्नामी मेटल्स, ब्लू स्टार लिमिटेड, गैलेक्सी और कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड जैसे टॉप स्टॉक्स हैं जिनके अंदर इस फंड का पैसा है वो इन्वेस्टमेंट किया गया है। जबकि अगर हम दोस्तों सेक्टर एलोकेशन वाइज बात करें तो यहाँ पर केमिकल्स में 15.2%, कैपिटल गुड्स के अंदर 13%, इसके अलावा कंज्यूमर्स, मेटल एंड माइंस, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल्स एंड हेल्थ केयर के अंदर अलग अलग परसेंटेज वाइज पैसा है वो इन्वेस्टमेंट किया गया है। जबकि दोस्तों बात करें इस फंड के खर्चे यानी कि एक्सपेंस रेशियो की, तो वो यहाँ पर 0.44% का है। एग्जिट लोड चार्ज 1% है अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकालते हैं तब। वहीं म्यूचुअल फंड में दोस्तों टैक्स की बात करें तो अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना होता है। भाई मान लीजिए आप 1 साल के बाद कभी पैसा निकालते हैं और आपको 1,00,000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है तो आपको ऐसे में यहाँ पर है जो 10% LTCG टैक्स है वो देना होता है। भाई यहाँ पर बात करें दोस्तों कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड हाउस की, तो फंड हाउस की जो इंडिया में रैंक है वो नंबर 5 पर है, जिसका टोटल AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज 2,85,392 करोड़ रुपये का है। यानी दोस्तों इतने पैसे लोगों ने कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड हाउस के साथ अलग अलग प्लान्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। और ये फंड स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1994 को। तो दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर वन टाइम सिर्फ 45,500 रुपये निवेश करते हैं तो इससे आप 84,00,000 रुपये का जो फंड बना सकते हैं और अपने किसी भी गोल को है जो कम्प्लीट कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की हायर एजुकेशन हो, उनकी शादी करनी हो, नया घर खरीदना हो, या फिर नया घर बनाना हो, या फिर कोई बिजनेस शुरू करना हो। लेकिन दोस्तों ये बेनिफिट आपको कब मिलेगा, जब आप लॉन्ग टर्म यानी कि 25-30 साल के लिए निवेश करते हैं तब। तो अगर आप दोस्तों निवेश करने का यहाँ पर प्लान कर रहे हैं और आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो आप दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जो एडवाइस लें, थोड़ा खुद से भी रिसर्च करें, उसके बाद यह जो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें। मेरा यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।